आषाढ़ सुदी दूज को निकलने वाली जगदीश स्वामी रथ यात्रा का आयोजन विदिशा जिले के मनोरा में किया गया। पूर्व में प्रशासन और ट्रस्ट की मीटिंग आयोजित की गई थी जिसमें रथ यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन 187 वर्ष पुरानी परंपरा के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा और भक्तों की आस्था के सामने कोरोना रूपी महामारी टिक नहीं सकी। अचानक से रात्रि में रथ यात्रा निकालने के आदेश दे दिए गए, जिसमें सुबह पुजारी द्वारा प्रातः काल भगवान की पूजा अर्चना कर भोग लगाकर भगवान जगदीश स्वामी बलदाव जी महाराज एवं सुभद्रा माई को रथ में विराजित किया और भगवान ने पूरे ग्राम में भ्रमण किया, अपने भक्तों को दर्शन दिए। पूरे मनोरा में जय जगदीश के जयकारे गूंजते नजर आए। जनकपुरी मंदिर जाकर रुखारत देर शाम तक भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। मनोरा में देर शाम तक भक्तों का आना जाना लगा रहा, साथ ही मेला न लगने की वजह से लोग एकत्रित नहीं हो सके और दर्शन करके अपने घर की ओर प्रस्थान करते नजर आए। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। लेकर यहाँ पर आए और उस टाइम पर प्राण प्रतिष्ठा भगवान की स्थापना हुई और जो उत्सव उड़ीसा जगन्नाथपुरी में मनाते हैं वो यहाँ भी मनाते हैं। हमारी यात्रा हो जाती है सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ हो जाती है, वहाँ की यात्रा होती है 12 के बाद और वहाँ के पंडित लोग अनाउंस कर देते हैं कि भगवान मनोरा गए। तो ऐसा क्या क्या भगवान के आयु प्रमाण हैं कि लोगों की इतनी बड़ी आस्था है कि यहाँ पे भगवान जगदीश स्वामी स्वयं पधारते हैं, ऐसे क्या प्रमाण लोगों को दिखाई देते हैं? प्रमाण ये कि अपने जी सरदार साहब उनको लेकर यहाँ पर आए और जो भी इच्छा लेकर आते हैं दर्शनार्थी उनकी इच्छा पूरी होती है, कार्य सफल होते हैं। बताया ऐसा भी जाता है कि सुबह रथ यात्रा की सुबह अपने आप से पट खुल जाते हैं, आषाढ़ को यहाँ पर पट खुलते हैं और पट खुलने के बाद भगवान की सेवा पूजा भोग प्रसाद आरती के बाद रथ पर सवार होते हैं और जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है। कितने वर्षों से चली आ रही है? 187 वर्ष से मतलब ये रथ यात्रा होती आ रही है। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।